तो वो कहते हैं अपने को शरीर समझते हो, इस शरीर के गुण है। मार्केट में क्रोध मिलता है, कहीं मिलता है तो बताओ, कानपुर में मिलता है मार्केट में? नहीं। क्रोध कहां से आता है? परम धाम जब आए थे लेके आए थे, नहीं, कहां से आया? ये शरीर अग्नि है, वायु है, जल है, जल ठंडा है, अग्नि गर्म है, उसका गुण है। सत्युग में भी क्या शरीर सोने का होगा? हाँ होगा ना, नहीं मट्टी का ही होगा, ऐसे ही शरीर होगा। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो है वो सर्वशक्तिमान का बच्चा होगा, है ना, उसके अंदर सर्वशक्तियां होंगी। शरीर यही पांच ही तत्व, चार हाथ नहीं होंगे, दो चार आंखें नहीं होंगी, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला कौन? उसको शिव बाबा आकर के पतित आत्मा को पावन करता है, पतित शरीर को नहीं। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है ना। शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, मट्टी से बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए मट्टी के अंदर जो दवाई बनती है वही चाहिए। तो आत्मा परमधाम से आई है, यहां से नहीं आई है, तो उनका उसकी बीमारी मिटाने वाला डॉक्टर भी परमधाम से आना पड़ेगा, यहां नहीं होगा। आत्मा के अंदर बीमारी से पाप आत्मा का, पाप शरीर नहीं, पुण्य शरीर नहीं, पाप आत्मा। अब आपको बताना चाहिए मैं कौन सी आत्मा हूं। अरे अपने आप को देखो, अपने आप को हर एक जानते हो। मैं कहो माता जी आप देवी हो, आप मैंने कैसे आप देवी बनेंगे, आप जानते हो मैं कौन सी आत्मा हूं। अब अपना मुखड़ा आप देखो, अगर मेरे अंदर पांच विकारों के स्वप्न आते हैं, किसी को पता नहीं, कोई नहीं देखता है, ना भगवान देखता है, ना और कोई जानता नहीं है, स्वयं हर एक को अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, तब कहा मुखड़ा देख लो, किसी ने कहने से कुछ नहीं होता है, जो किया वो भोगना पड़ता है। भगवान भी सामने खड़ा हो जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता है। कि तपस्या करने से होगा? होगा नहीं, आपने किया हुआ पाप आपको मिटाना है, इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। डॉक्टर भी बीमारी मिटा नहीं सकता है, दवाई देता है, लेना आपको है। अगर आप नहीं ले लो बीमारी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर का दर्शन करके आओ, होगा नहीं ना? जैसे डॉक्टर कहता है वैसे विधि पूर्वक दवाई लेते हो तो बीमारी ठीक होगी। अभी आप हरेक अपने आप को देख लो, मेरे अंदर कौन सी बीमारी है।